हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर मेरी तरह आपको भी पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत पसंद है तो आज का ये ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको दो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहली कि अलग अलग स्किन टोन कैसे बना सकते हैं, और दूसरी कि कलर जोन क्या होता है फेस के लिए, और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इमेजिनेशन से कलर करने के लिए फेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आप सभी प्राइमरी कलर्स के बारे में जानते होंगे। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो किसी और कलर को मिक्स करने से नहीं बन सकते, पर जो बाकी सारे कलर्स हैं वो इन तीन कलर के मिक्सचर से हम बना सकते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वाइट कलर हम नहीं बना सकते इन कलर को मिक्स करके। दोस्तों, आप बस इन तीन कलर को मिक्स करके कोई भी स्किन टोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा लाइट स्किन टोन, और लाइट स्किन टोन के लिए मैं यूज़ करूँगा हल्का सा रेड कलर और हल्का सा येलो कलर, जिससे कि मुझे मिलेगा बहुत ही लाइट ऑरेंज। और आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट शेड होगा वो पहले वाले शेड से लाइटर होगा, क्योंकि हम कलर ऐड नहीं कर रहे इसमें, और आपको वैरायटी मिल जाती है कलर्स की। दोस्तों, स्किन टोन डार्क करने के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लू ऐड करना होगा, और थोड़ा सा येलो, जिससे कि हल्का सा ब्राउनिश कलर मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप ब्लू ऐड करेंगे उतना ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें मिलेगा। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और मैं ब्लू ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें मिला है। और ऐसे आप वैरायटी ऑफ कलर्स बना सकते हैं। और अगर आप जैसे चीक्स पे, या अगर आप वॉर्म्थ ऐड करना चाहते हैं कलर स्टोन में, तो आप रेड और येलो मिक्स करिए बस। दोस्तों, प्राइमरी कलर्स मिक्स करके कलर्स बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपको हर एक कलर सेट में 12 या उससे ज़्यादा कलर्स मिल ही जाते हैं, जिनको आप यूज़ करके और भी जल्दी स्किन टोन बना सकते हैं, और ये ईजी भी है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कलर्स। और दोस्तों, मैं भी यही सारे कलर्स यूज़ करता हूँ पेंटिंग के लिए। मैं प्राइमरी कलर्स मिक्स करके बहुत रेयरली काम करता हूँ। ये बर्न्ड सियाना यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इससे आप डार्क कलर बहुत ईजिली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं डार्क टू लाइट अगर आप एक साथ करेंगे तो कैसे आप वैरायटी ऑफ स्किन टोन इससे ही पा सकते हैं। और ये बर्न्ड अम्बर कलर है, ये भी काफ़ी अच्छा कलर है डार्क स्किन टोन के लिए और शेडोज़ के लिए। और ये ऑरेंज कलर है। प्राइमरी कलर्स यूज़ करके ऑरेंज कलर बनाना पड़ता है, पर यहाँ ऑलरेडी हमारे पास ट्यूब में है, सो निकालो, घोलो, लगा लो बस। और जैसा आप मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्लू कलर है उसको ऐड करके आप स्किन टोन को डार्क कर सकते हैं। और शेडो में भी आप यूज़ कर सकते हैं ब्लू कलर, शेडो को कूल बनाने के लिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना ईजिली मैंने कितनी सारी स्किन टोन बनाई है, और इन कलर्स से आप कोई भी पोर्ट्रेट पेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों, पेंट कहाँ करना है, कौन सा कलर कहाँ पे होता है, वो कैसे पता चलेगा हमें? तो इसको ईजिली समझने के लिए दोस्तों, अब मैं आपको कलर जोन के बारे में बताऊंगा, और कलर जोन से आप कैसे ईजिली इमेजिनेशन से कलर कर सकते हैं। दोस्तों, फेस के लिए जो स्किन टोन होते हैं वो तीन जोन में डिवाइड किए गए हैं। टॉप ऑफ द हेड, फोरहेड एंड ब्रो एरिया के लिए येलो एंड वाइट, क्योंकि यहाँ कम ब्लड सर्कुलेट होता है। दोस्तों, नाक और जो गाल वाला एरिया है वहाँ पर रेड होता है, क्योंकि ये फ्लैशी होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है। माउथ, चिन और जॉ एरिया के लिए ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर होता है, और मेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बियर्ड होती है मेल्स की, जिसकी वजह से ये एरिया ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। दोस्तों, जब आप पोर्ट्रेट पेंट कर रहे होते हैं इमेजिनेशन से, तो ये जोन जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं रियलिस्टिक कलर करने के लिए। दोस्तों, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सैचुरेटेड जोन दिखाना है, जैसे मैंने अभी मैं दिखा रहा हूँ इसमें जो रेड जोन है वो बहुत ज़्यादा रेड है। पर जब आप कलर कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रेड दिखाना है वो एरिया, बस आप एक हिंट दे सकते हैं कि ये एरिया रेडिश है। दोस्तों, ये जोन्स जो मैंने आपको बताए ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, और ये स्किन टाइप, जेंडर, एज और लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है।
जैसे बच्चों और महिलाओं में आपको ब्लू जोन देखने को नहीं मिलेगा, बस पुरुषों में मिलेगा। और जिनकी स्किन बहुत डार्क होती है उनका पोर्ट्रेट आप जोन्स के हिसाब से नहीं बना सकते। दोस्तों मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाता हूँ जिनमें आपको ये जोन्स क्लियरली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये सबसे पहली पेंटिंग है और इसमें आप देख सकते हैं जो फोरहेड है उसमें येलो आपको देखने को मिलेगा और जो चीक्स हैं वो रेडिश मिलेंगे आपको। दोस्तों जो ब्लू ग्रीन जोन होता है चिन और जॉ एरिया का वो इस पेंटिंग में देखने को नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों ये रही मेरी दूसरी पेंटिंग और इसमें आपको क्लियरली येलो जोन देखने को मिलेगा और रेड जोन देखने को मिलेगा, पर इसमें भी आपको ब्लू ग्रीन जोन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस पेंटिंग में आपको सारे जोन्स देखने को मिलेंगे, जैसे फोरहेड के लिए आप देख सकते हैं येलो है और रेडिश टोन है चीक्स और नोज में, और ब्लू ग्रीन आप देख सकते हैं जो बियर्ड पार्ट है उसमें ग्रीनिश टोन मैंने किया हुआ है। और दोस्तों ये और एक महिला की पेंटिंग है जिसमें आपको दो ही जोन्स देखने को मिलेंगे, येलो और रेड, और इसमें भी आपको ब्लू ग्रीन जोन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया कि कैसे आप इजीली स्किन टोन बना सकते हैं और कैसे आप रियलिस्टिक कलर्स कर सकते हैं फेस के कलर जोन के हिसाब से। इस ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अलग अलग स्किन टोन पेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और आर्ट वीडियोस लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड आर्ट करते रहिए।